नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हुआ तो पूरी रामनगरी दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आई। हर तरफ उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से रामनगरी राममय उठी है। दीपोत्सव में इस बार राम मंदिर निर्माण शुरू होने की खुशी पीएम मोदी के आने से कई गुना बढ़ गई है। इस दीपोत्सव में रामनगरी नया इतिहास रचने को बेकरार है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं और श्री राम लला का राजतिलक करेंगे। इसे लेकर की गई सजावट से श्री राम जन्मभूमि राम की पैड़ी सरयू घाट से लेकर रामकथा पार्क तक आबा निकल उठी है। रामनगरी में दीपोत्सव को अविस्मरणीय बनाने में शासन प्रशासन जुटा है। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार विश्व रिकॉर्ड के साक्षी पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं पूरी अयोध्या को 17 लाख दीपकों से रोशन किया जाना है। 2022 के ये क्षण हम सबके लिए अत्यंत रोमांचकारी है। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए भगवान श्री राम, जिन्होंने हम सबको अपने चरित्र के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई, उनकी आरती उतारते उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राम प्रतिमा नहीं है प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है, राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है, चलते फिरते नित्य यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। भगवान श्री राम का पूजन वंदन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूजन वंदन कर रहे हैं मंच पर। ये वो क्षण है जिसे हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। आगमन भी उस समय होगा। इस समय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आसीन, भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण माता जानकी का पूजन वंदन करते हुए दीपोत्सव 2022 के ये क्षण हम सबके लिए अत्यंत रोमांचकारी है। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए भगवान श्री राम, जिन्होंने हम सबको अपने चरित्र के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई, उनकी आरती उतारते उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राम प्रतिमा नहीं है प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है, राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है, चलते फिरते नित्य यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। भगवान श्री राम का पूजन वंदन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूजन वंदन कर रहे हैं मंच पर। ये वो क्षण है जिसे हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। आगमन भी उस समय होगा। इस समय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आसीन, भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण माता जानकी का पूजन वंदन करते हुए
दीपोत्सव 2022 के ये क्षण हम सबके लिए अत्यंत रोमांचकारी है। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए भगवान श्री राम, जिन्होंने हम सबको अपने चरित्र के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई, उनकी आरती उतारते